हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिफिनिटी टैरोस एक्सपर्ट रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट। सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं एंड डेफिनेटली आने वाले समय में भी किस तरह से रहेगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ फोकस ऑन योर पार्टनर जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उन्हीं के ऊपर आपको तो फोकस रखना पड़ेगा, पर्टिकुलरली उनके बारे में ही रखिए। हो सके कुछ लोग अपने एक्स या न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, अगर आप अपने एक्स के लिए जानना चाहते हैं तो एक्स के लिए सोचें, अगर आप अपने न्यू पर्सन जिनके साथ आप ऑलरेडी हैं सो उनके बारे में सोचिए, ठीक है। ओनली वन एट ए टाइम, ये रीडिंग सबके लिए है, ओके। सो सो वी डू हैव द गिनीवर, ग्रेट। यहां पे है लैंसलॉट, सब कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे। दो कार्ड एक साथ आया है, सेरिविडन सेरिडविन एंड वी डू हैव द वाइट हार्ट। यहाँ पे है हमारे पास द होली ग्रेल, यहाँ पे है हमारे पास है रियानन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ब्रैनवेन, यस। अभी हम धीरे धीरे आपको बताते हैं, आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स प्रॉपरली, राइट। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स है 2020, दैट इज 2002, आप देख सकते हैं। एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि है यहाँ पे, पाइशिस कैंसर एंड स्कॉर्पियो है, कर्क वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। वी डू हैव एक्वेरियस जेमिनी एंड लीब्रा, कुंभ मिथुन तुला राशि है। द नंबर 23 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 36, 23, 29 किसी का एज हो सकता है। डिसम्बर मंथ कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, डिसम्बर मार्च, ओके, एज वेल एज अक्टूबर, और राइट 23rd and 32, दिस इज द मिरर नंबर, आप देख सकते हो। नाउ लेट मी कम इन टू द मेन पिक्चर, आपके पर्सन जो है वो आपके लिए क्या सोचते हैं। देखो आपके पर्सन के अंदर जो एक करेंटली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बिल्कुल हूबहू जिस तरह से आप सोच रहे हैं उसी तरह से ये इंसान भी सोच रहे हैं। ये इंसान का इस तरह से आपको कहना है कि ये खुद, ठीक है, दे वांट टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। क्या कनेक्शन रखना चाहते हैं ये आपके साथ? रोमांटिक कनेक्शन। एंड दे वांट टू शो, ये लोगों को प्रूव करना चाहते हैं, ये लोगों को समझाना चाहते हैं कि आपका कोई अल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता। मेडिसिंस का अल्टरनेटिव हो सकता है, ठीक है, एवरी फूड हैज़ अल्टरनेटिव, बट यू डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव, मतलब आपका कोई और ऑप्शंस नहीं हो सकता, मतलब आप जैसे सेकेंड पर्सन कोई नहीं है, आपके जैसा भी कोई नहीं है, ऑब्वियसली यू कैनॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाई एनी पर्सन, ठीक है, ये उनको मानना है। तो कितना खासियत, क्या खासियत है आप में, उनको ऐसा महसूस होता है कि यू आर सो स्पेशल टू देम, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक डिवोशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक डेडिकेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है उनके तरफ से, और इनके तरफ से ये भी दिखाई दे रहा है कि जितने जल्दी वो आपके पास आ जाए उतना ही वो आपके साथ इंटीमेट हो पाएंगे, उतना ही वो आपके साथ बातचीत कर पाएंगे, वार्तालाप करेंगे। अगर आप ऑलरेडी इनके साथ बात कर भी रहे हैं तभी भी उनको उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है, दे वांट फुल सेटिस्फेक्शन। नाउ इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड विद दिस पर्सन, ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका जन्म जो है ये एक कनेक्शन जैसा नहीं, इसका एक पुनर्जन्म है, मतलब उनको ऐसा लगता है ये जो बहुत मैग्नेटिक पुल, ठीक है, ये महसूस करते हैं आपके तरफ, इट इज़ नॉट इन अ वन लाइफ टाइम,
काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं वो, काफ़ी प्रोत्साहित होते हैं वो। आप उनको हमेशा ही मोटिवेट करते आए हो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप उनके साथ हमेशा होते हो, जब भी उनका खराब सिचुएशन होता है तभी भी, और उनका बहुत अच्छा सिचुएशन होता है तभी भी। दे वॉन्ट टू हैव अ न्यू कनेक्शन विथ यू, ठीक है, दे वॉन्ट टू रिकनसाइल विथ यू अगर ये आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अवार्ड विनिंग ट्रॉफी तभी जब अपने हाथ में आते हैं ना तभी मज़ा आता है, राइट। किसी के हाथ में ये अवार्ड विनिंग ट्रॉफी जो है, ऑब्वियसली ट्रॉफी किसी को नहीं दे सकते, ये कप वो किसी को नहीं दे सकते। आप किसी के साथ रिश्ता नहीं रख सकते, ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 साल से ज़्यादा हो गया कि आप दोनों में वार्तालाप नहीं हुआ है, इंट्रैक्शन नहीं हुआ है, एक दूसरे को देखते भी नहीं हो आप लोग, फिर भी मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, दे वॉन्ट टू यू नो सो दे वॉन्ट टू कम इन योर लाइफ वंस मोर, और वो एक्साइटमेंट वो देना चाहते हैं आपको। ऑन द अदर हैंड आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ सहन कर लिया है, बहुत कुछ झेल लिया है, आप अपने तरफ से फुल 100% कमिटेड थे, आज भी आप हो, लेकिन इस इंसान की सोच जो है, आपको ऐसा लगता है इनकी सोच और भावनाएं जो है क्या आपके साथ मैच नहीं करते, क्या आप वो आपको समझ नहीं पाते हैं कि आप इतना प्योर हो, आप इतना डिवोटेड हो, आप इतना लॉयल हो, तो वो आपको चेक क्यों करते हैं, वो आपकी पेशेंस टेस्ट क्यों करते हैं, वो आपको जवाब क्यों नहीं देते, वो आपको ऐसा क्यों बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। स्पेसिफिकली यू फील सो सैड जब उनके तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं कि इस तरह से कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन आप फेस करते हो, और ना आप इस इंसान को लेट गो कर सकते हैं, ना आप इस इंसान से मूव ऑन हो सकते हैं, ना आप इंसान को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं इनको छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ कहीं ना कहीं पर वो किसी और के साथ हो जाएगा और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सिमिलरली उनका भी सोच वैसा ही है कि वो आपसे मूव ऑन नहीं तो कर पाएंगे, दूसरा किसी के पास अगर चले भी जाएंगे तभी भी आपके जैसा नहीं हो पाएगा, तो ना ही आपको छोड़ पा रहे हैं ना आपके सामने वो आ पा रहे, बट दे वॉन्ट टू डू इट, दे वॉन्ट टू कमिट टूअर्ड्स यू। नाउ आई ऑल्सो डू फाइंड कि आपके अंदर ये खासियत है कि आप कुछ चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, यू हैंडल डिप्लोमेटिकली ऑल्सो समटाइम्स। अगर आप उनके साथ शादीशुदा है, राइट, आप उनके साथ ऑलरेडी मैरिड है, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों की जो कॉन्जुगल लाइफ है, शादीशुदा वैवाहिक जीवन जो है, बहुत अच्छा से वो आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट लव ऑफ देयर लाइफ। सो कहीं ना कहीं पे दे वांट टू मेंटेन दिस कनेक्शन टिल द लास्ट, ठीक है, इस तरह से। और आपको कभी कभी ना आपको बहुत ही ज़्यादा आजकल मूड स्विंग्स हो रहा है, तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि क्यों हो रहा है, इज इट ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, या आप उनको लेके इनसिक्योर है। अगर आप उनको लेके इनसिक्योर है तो प्लीज़ मत हो जाइए, क्योंकि वो ऐसा कहना चाहते हैं कि योर ब्यूटी इज अनपैरेलल, इट कैन नेवर बी मैच्ड विद एनीवन, चाहे वो इंटरनल ब्यूटी हो चाहे एक्सटर्नल ब्यूटी हो, जिस तरफ से भी वो देखते हैं आपको, अंदरूनी हो या बाहर हो, आपकी ब्यूटी जो है इट्स अनपैरेलल ब्यूटी, ठीक है। यू आर सच अ डिवाइन कनेक्शन दैट इट कैन नॉट बी मिस्ड, डिवाइन कनेक्शन मिस नहीं किया जा सकता, ठीक है। सब लोग जानते हैं, लोग जो स्पिरिचुअलिटी में है या नहीं है, कि जोड़ी जो बनाया जाता है स्वर्ग में, और वो शादी होता है यहाँ पे, ठीक है। सो द कपल्स आर मेड, द मैरिज इज डिसाइडेड इन हेवन बट इट इज मेड ऑन अर्थ, प्रैक्टिकली यहाँ पे होता है, थियोरेटिकली वहाँ पे है। तो अगर थियोरेटिकली वहाँ पे है तो फिफ्थ डिमेंशन पे तो ऑलरेडी हो गया है, सिर्फ यहाँ पे होना बाकी है ऑन द 3D लेवल, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है, सो आई कैन सी लॉट ऑफ 3 ऑल्सो ओवर हियर। एनी वे 3 डायमेंशन में जो भी हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप गुमसुम से आजकल बहुत रहना शुरू कर चुके हो, ऐसा नहीं पसंद उनको। अगर वो ऑफिस से आते हैं आपके फेस देखकर वो थोड़ा सा ऐसा उनको लगता है कि क्या वो जिम्मेदार है, ठीक है। हो सकता है कि आप इनके साथ शादीशुदा हो लेकिन आपका कोई और था जिनके साथ आपकी शादी नहीं हुआ है। सो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन जिनके साथ आपके कनेक्शन अभी है उनको लगता है, उनको गिल्टी महसूस होता है
ठीक है, उस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। नाउ दिस इज लाइक, आप उनको जाने नहीं दे सकते, वो आपको जाने नहीं दे सकते, वो चाहते हैं कि आपके लिए वो और क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन दे डू मोर फॉर यू। ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट अगेन, लेट मी वेरीफाई द कार्ड्स, वेरीफाई करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, देखो द हाई प्रिस्ट, सो बेसिकली ये इंसान, देखो टॉरस एनर्जी, सो आई डू फाइंड लाइक दैट दिस पर्सन फील्स दैट आप वैसे इंसान हैं, ठीक है, हु इज ओनली मेड फॉर देम, आप ही को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी को वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके बहुत ही उसूल जो है, फिलोसॉफी बहुत ज़्यादा है इनका, ठीक है, कहीं ना कहीं पे रीति रिवाज बहुत ज़्यादा इनमें मानते हैं, भगवान में मानते हैं, जोड़ी में मानते हैं, सो कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये इंसान कभी कभी बहुत कठोर भी हो जाते हैं। ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि वो लोगों के लिए कठोर हो सकते हैं, आपके लिए नहीं, बिकॉज यू आर अ टेम्पटेशन ऑल्सो फॉर देम, यू आर द बेस्ट फॉर देम, एंड यू आर द, यू कैन से दैट ब्यूटिफुल वुमन और द हैंडसम मैन इन देयर लाइफ दैट दे आर क्रेविंग फॉर। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे ये डिवोशन क्यों है, डिवोशन की कार्ड यहाँ पे क्यों है, डिवोशन रोमांस का कार्ड यहाँ पे क्यों है, व्हाई देयर इज द, यस द हॉर्न गॉड। यहाँ पे जिस तरह से सम्राट जो होते हैं, एरीज एंड स्कॉर्पियो, सम्राट जो होते हैं वो सब लोगों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं, आपके पर्सन हो सकता है कि मे बी उनके फैमिली, आप सबको लेके चलना चाहते हैं, ये अपने फैमिली के लिए जितना डेडिकेटेड है, रिस्पॉन्सिबल है, टाइम टू टाइम काम कंप्लीट कर देते हैं, बिल्स को पेमेंट कर देते हैं, घर का तमाम काम जो है वो कंप्लीट करते हैं, ऑफिस का काम कंप्लीट करते हैं, बिजनेस करते हैं, लोगों के साथ मतलब तालमेल बना के चलते हैं, तो वो आपके साथ क्यों नहीं चलेंगे, वो आपके लिए है डेडिकेटेड, मे बी दे कैन नॉट एक्सप्रेस, हो सकता है उन्होंने एक्सप्रेस करना नहीं जाना था, ठीक है, लेकिन ये इंसान आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते, कन्फेस करना चाहते हैं एंड कमिटमेंट ये देना चाहते हैं। भले ही आपको लगता है कि इंसान खड़ूस हो सकता है, बट मुझे दिख रहा है ये खड़ूस उनके हो सकता है कि ऑफिस के माहौल या बिजनेस में प्रॉब्लम के वजह से उनको खड़ूस होना पड़ा, वरना ऐसा नहीं है वो। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड, रिबर्थ की कार्ड यहाँ पे क्यों है, व्हाई देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिबर्थ कार्ड, देखा एस ऑफ एथेंस, सो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ना, कभी कभी आपके पर्सन को आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत ही कम पैसा खर्चा करते हैं, और ये इंसान जो है हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, इट्स ट्रू, पर ये इंसान आपके साथ साफ साफ बात करने में यकीन रखते हैं, सो दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, मे बी यू कैन गेट अ कॉल विद इन 1 आवर और समथिंग, सो दे वॉन्ट टू से दैट जो भी हो, जैसा भी हो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे लिए था और मैं तुम्हारे लिए हमेशा ही रहूँगा या रहूँगी, वट एवर, सो देर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, जो बात नहीं करना चाहते थे, कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन में, लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आपके पर्सन आपसे इसलिए बात नहीं करना चाहते थे, कोल्ड एक्सप्रेशन शो कर रहे थे कि इनको पैसे से मतलब था, कहीं से भी पैसे से उनका मतलब था, और मे बी एट दैट टाइम जब आपके साथ उन्होंने बात करना बंद कर दिया, मे बी यू आर नॉट डूइंग जॉब, आप काम नहीं कर रहे थे, या कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनके सारे पैसे ले लोगे और आप उनको छोड़ दोगे, समथिंग दे आर थिंकिंग वेरी ऑड, वेरी डिसगस्टिंग थिंकिंग, आप समझ रहे हो ना, बहुत ही खराब घटिया सोच था उनका, अभी यहाँ पे उस सोच की परिवर्तन हुआ है, थैंक्स टू गॉड, ओके। वो मेरे व्यूअर्स को कैसे ऐसे सोच सकते हैं, राइट, जो भी इस व्यूअर्स को वीडियो देखेंगे वो सारे स्पिरिचुअल है, राइट, और मैं नहीं चाहती कि मुझे बस ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए ऐसा कैसे सोच सकते हैं, जो इतना स्पिरिचुअल है वो कैसे इतना खराब हो सकता है, इतना लेवल पर गिर सकता है, ऐसा कैसे सोच लिया उन्होंने, पता नहीं आपके पर्सन ने आपको ऐसा कैसे सोच लिया, बट नॉट फॉर एवरी वन, ओनली अराउंड 10 to 20% आई कैन सी लाइक दैट, मे बी इनका घमंड बहुत ज़्यादा था, ईगो बहुत ज़्यादा था, एरोगेंट नेचर था उनका, सब कुछ जैसे सेल्फ एस्टीम, सेल्फ
एक्चुअलाइजेशन सेल्फ, ओनली सेल्फ एंड नथिंग अदर देन दैट। यहाँ पे रीअलाइनमेंट हो रहा है, देखो आपके साथ इनका रीअलाइनमेंट होगा, बट इसका वेरिफिकेशन में मुझे यहाँ पे चाहिए। सो ये इंसान आपके साथ रीअलाइन करना चाहते हैं। विल ऑफ द ईयर, दिस विल ऑफ फॉर्चून, किस्मत कनेक्शन ये मानते हैं, इसलिए ऐसा मानते हैं कि चाहे जितने भी प्रॉब्लम है, फसाद जो भी हो, वो हट जाएगा और ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे भी वाइट है, यहाँ पे भी वाइट है गाइज। सो वाई दिस होली ग्रेल, इट इज द एस ऑफ कप्स, राइट? एस ऑफ कप्स की कार्ड है ये। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन शायद बात करना शुरू कर चुके हैं, कुछ लोगों के लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, दे वॉन्ट टू वर्क इन दिस रिलेशनशिप, तभी जितना मेहनत करोगे उतना ही फल लाओगे। तो ये इंसान इस रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हैं एंड डेफिनेटली अवार्ड विनिंग ट्रॉफी, ये कप हासिल करना चाहते हैं। वो मेहनत करेंगे रिलेशनशिप में और कोई ट्रॉफी लेकर चला जाएगा, कोई कप लेके चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इस रिलेशनशिप में ये इंसान, ठीक है, फिर से सोचे। कुछ लोग आपके पर्सन की नक्षत्र हो सकता है, पुष्या हो, पुनर्वशु हो, अश्लेषा हो, मघा नक्षत्र हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है चित्रा हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आई डू फाइंड रोहिणी हो, राक्षस गण हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर राक्षस गण हो, तीन गण होते हैं, राक्षस गण, देवगण और मनुष्य गण, ठीक है, बिकॉज माई मॉम इज एन एस्ट्रोलॉजर एंड नो दैट। सो बेसिकली क्या है कि मनुष्यगण और देवगण, ठीक है, इनमें बहुत अच्छा संबंध है, फिर देव और राक्षस में बनता नहीं है, और राक्षस और मनुष्य में मोरललेस एडजस्टमेंट होता है। हो सकता है आप दोनों उस गण के हो, मतलब दे यू आर ऑफ डिफरेंट लाइक इन दिस, दैट्स वाई ना कभी कभी बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आपने झेला है। कुछ लोगों के लिए देखते हैं आपने क्यों सहन किया इतना दिन, माई गॉड डोंट नो, दिस कार्ड एंड्योरेंस हैज कम, काफ़ी क्या सहन किया आपने, बहुत कुछ सहन किया आपने। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, इनकी जो है जब किसी के पास धन आ जाता है ना, ऑल ऑफ अ सडन, आप मानो या ना मानो, स्पेशली इन टूडेज वर्ल्ड, राइट, पीपल उनके पास आ जाएगा ना तो वो किसी को भी ना नीचा समझेंगे, किसी के साथ अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, इतना घमंड हो जाएगा, इतना इगोइस्टिक हो जाएंगे। सब लोग नहीं होते बट मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर ही परिवर्तन हो गया, ठीक है, ओके। उस तरह से वो गाना मुझे याद आ रहा है, तो कैरेक्टर ढीला है उस वाला चीज़ जो है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आप जब कुछ दूसरे किसी के साथ बात किया करते थे तब उनको बहुत ज़्यादा मतलब लगता था, लेकिन जब ये पैसे के आड़ में कुछ भी करना शुरू किए, तब आपने जब अगेंस्ट में जाके कुछ कहा कि आप नहीं कर सकते हो, आप मुझे छोड़कर किसी और के साथ नहीं कर सकते हो ऐसा, सो तब उन्होंने अपनी असलियत दिखाया और उन्होंने अपने पावर, पोजीशन, फेम, मनी, ठीक है, इससे बहुत कुछ ऐसा किया है जो शायद आज आप नहीं जानते हैं। मे बी इट्स लाइक दैट, मे बी उन्होंने, आपने ये भी सहन कर लिया कि उन्होंने किसी और के साथ शादी किया है ओनली फॉर द सेक ऑफ मनी, या इट्स ऑल लाइक दैट। बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मोरलेस यही है, जो जनरली सच्चे होते हैं वही उनके जीवन में फल और फूल सब मिलता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन रेक्टिफाई करना चाहते हैं अपने कैरेक्टर को, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी ही अच्छे थे और भी आपके साथ ये रिकनसाइल करना चाहते हैं। 20 से आज कार शुरू हुआ था आप देखो और 20 पे आके ख़त्म हो रहा है। सो 20 इज द नंबर फॉर द जजमेंट कार्ड हियर एंड हियर, जजमेंट होके रहेगा, ये रीडिंग ट्रू होगा एट एनी कॉस्ट। प्लीज़ क्लेम द रीडिंग बाय 2020। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय।